नमस्कार, LNV टीवी में आपका स्वागत है। गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव पर्व को जहां पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर भी गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर्व की तैयारियां जमकर चल रही हैं। और इसी के तहत मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर स्थित तहसील ग्राउंड में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंजाब से आए वीर खालसा ग्रुप, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इनका नाम दर्ज है, कि कलाकारों ने बेहतरीन प्रस्तुतियां देकर उपस्थित जन समूह का मन मोह लिया। आइए हम आपको दिखलाते हैं LNV टीवी के माध्यम से किस प्रकार का आयोजन हुआ और किस प्रकार यहां शस्त्र कला का प्रदर्शन किया गया। पैसे नहीं मांग रहा, इनाम मांग रहा। कौन सा गुरु नानक जी के 550वें प्रकाशोत्सव पर्व पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान वीर खालसा ग्रुप ने दमोह के तहसील ग्राउंड में उपस्थित विशाल जन समूह का मन मोह लिया। उन्होंने बेहतरीन प्रस्तुति दी शस्त्र कला की और तालियां बजाने के लिए मजबूर कर दिया उपस्थित विशाल जन समूह को। इस अवसर पर LNV टीवी ने वीर खालसा ग्रुप के जो कोच हैं बलजीत सिंह जी से चर्चा की, प्रश्न किए, उन्होंने उत्तर दिए। बलजीत सिंह ने अपना दर्द भी इस समय बयां किया और
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह किया कि देश की युवा पीढ़ी नशे की ओर बढ़ रही है, नशा मुक्ति के लिए आप पहल करिए, प्रयास करिए, देश से नशा खत्म हो, यह आग्रह किया बलजीत सिंह जी जो कोच हैं निवेदन करना चाहते वीर खालसा ग्रुप पंजाब के। आइए क्या कहते हैं बलजीत सिंह जी, हम आपको सुनवाते हैं एलएनवी टीवी के माध्यम से। कहीं भी देख लो, सबसे ज्यादा जो शहादत है वो सिखों की है। जो इस टीम के मेन हेड हैं, उन्होंने जब हमको घर से तोड़ते हैं तो वो क्या बोलते हैं, मर जाना लेकिन पगड़ी को दाग मत लगा के आना। तो हम ये कई हमें क्या बोलते हैं, बच्चों को लेके आ गए। हम बोलते हैं बड़े हमारे साथ टिकते नहीं हैं, बच्चे टिकते हैं। ये बच्चे नहीं हैं, ये छोटे होते ही बड़े हो जाते हैं। आपने देखा नहीं इसकी दिलेरी, छोटे से अंगूर इसकी आँखों पे रख के जब काटे तो आप भी समझते हैं बड़ा क्या करेगा वहाँ पे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ हमारे कवलजीत सिंह प्रिंस जी को भी, भगवान उनको लंबी उम्र दे। और उन्होंने जो अमेरिका गो टैलेंट में ख़तरनाक स्टंट करके हमारी टीम को एक कामयाबी दी है, तो मेरी तरफ से उनको मुबारकबादें। आज उस पे पूरे हिंदू भाईचारे को, सिख भाईचारे को, सबको हमारी तरफ से बहुत ही शुभकामना, और वीर खालसा की तरफ से सभी बहन भाइयों को गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पे बहुत बहुत मुबारकबाद दी। आल वर्ल्ड में हम जा चुके हैं, ये गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड स्लोवाकिया में है, अमेरिका में खेल चुके हैं, सिंगापुर, मलेशिया, कनाडा, तकरीबन सब जगह जा चुके हैं। कितने प्रकार के स्टंट करते हैं आप? देखो जी, कभी गिने ही नहीं, गिनते तो बता देते हैं। अच्छा, ये जैसे कि मान लीजिए आप लोग ये स्टंट करते हैं जी, इसके प्रतिदिन प्रशिक्षण होता होगा, कितने घंटे प्रशिक्षण आपका चलता है, लगातार रिहर्सल चलती रहती है? जी ये तो माने चाहे ना माने तो कुछ भी नहीं बता सकते, चलता ही रहता है, बस लगातार चलता रहता है। बल्कि एक बच्चे को कलाकार पूरा तैयार करने में कितना टाइम लग जाता है? देखो जी, इनको 22 साल हो गए हैं अभी तक चलते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम सीख गए, क्योंकि हमारा तो नाम ही सिख है, सिख का मतलब है सीखते रहो। तो हम सीख ही जा रहे हैं, रोज़ दिन भर दिन कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है। लेकिन जो इस टीम के मेन हेड हैं कवलजीत सिंह जी, वो हमें बता देते हैं कि भाई, छोटे भाई ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे नहीं, ऐसे उसका ध्यान रखना है, उसको कहे ऐसे करना है, उसको बोलना है ऐसे करना है। तो जो शिक्षा हमें मिलती है उसको हम आगे लोगों में प्रचलित करते हैं। ये विलुप्त होती कला है जी, अखाड़ों की जी, ये अखाड़ों के प्रशिक्षण में ये सन्यासी संप्रदाय और सिख संप्रदाय के जी, ये जो होते हैं अखाड़े होते हैं जी, और अब नौजवान जो इस पीढ़ी को मतलब इस चीज़ को सीखें, तो क्या संदेश देंगे आपके? वो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, ये संदेश तो मोदी साहब के पास जाना चाहिए कि जो नशा चल रहा है, देखो टैक्स बढ़ गए, सब कुछ बढ़ गया, ये नशा क्यों नहीं कम हो रहा भाई? नशे को कम किया जाए। कोई बोल देता है पाकिस्तान से आ रहा है, कोई बोल देता है राजस्थान से आ रहा है, कोई बोल देता है एमपी से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है। अरे आ तो रास्ते से जा, आसमान से तोड़ के नहीं आ रहा। रास्ते पे पुलिस खड़ती है, मिलिट्री खड़ती है, तो क्या बात, उनकी आँखों में धूल झोंक देते हैं, मिलिट्री से ज़्यादा हो गए। मिलिट्री के नौजवान दिन रात मेहनत करते हैं, अच्छा चोर इसका मतलब फिर 24 घंटे मेहनत करते होंगे जो आंखों में धूल झोंक देते हैं। तो मोदी साहब को ये कहना चाहता हूँ, अगर हिंदुस्तान के, ये नहीं पंजाब के, पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों को बचाना है तो ये नशे को रोकना चाहिए, नशा बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। पंजाब में क्या, हिंदुस्तान में किसी को पता ही ना हो नशा क्या है। अगर कोई पूछे नशा, अरे भाई हमें तो पता नहीं, इधर तो चलता नहीं। मेरा मैसेज यही है सबको। आयोजन समिति के जो प्रकाश उत्सव की खुशी में, 500 साल होने के पर्व पर ये प्रकाश उत्सव की खुशी में ये जत्था बुलाया गया था, और नमो इतिहास में पहली बार जत्था यहाँ प्रोग्राम कराया गया, क्योंकि ये सिख तरफ से ये संबंध जाना चाहिए कि कम से कम सरदार ऐसा कर सकता है, इसलिए ये प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था। और ऑर्गेनाइज में जिस लोगों ने सहयोग किया है, मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनसे अपेक्षा करता हूं इसी तरह वो सहयोग करते रहें। हमारी प्रबंधक कमेटी ने, हमारे गुरु नानक सोसाइटी ने और हमारे छोटे वीरों ने इतना सहयोग किया है, मैं उन सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं।
अंतर्राष्ट्रीय कलाकार वीर खालसा ग्रुप ने बेहतरीन से बेहतरीन प्रस्तुतियां दी। शस्त्र कला जो कि विलुप्त होती कला है का प्रदर्शन किया और उपस्थित विशाल जनसमूह का मन मोह लिया। LNV टीवी परिवार की ओर से सभी देशवासियों को गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। समाचारों के लिए देखते रहिए LNV टीवी, जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज। नमस्कार।